हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं हूँ सनी एंड स्वागत है आप सभी का डेमन किंग यूट्यूब चैनल की एक धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, एंटेशन 3 का अल्फा स्टेज आ चुका है। अगर आप अल्फा स्टेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चेकआउट कर लेना है आपको। वहाँ पर आपको उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी मेरे टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको टर्मक्स X11 को डाउनलोड करना होगा, एक APK को ले लेना होगा और एक OBB को आपको लेना होगा। तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। किस तरह से सेटअप करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा एंटेशन 3, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं ओपन। एंड आपके पास टर्मक्स X11 होना चाहिए, ठीक है, उसमें ही हमारा एंटेशन 3 ओपन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अल्फा स्टेज नोटिस आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एड्रिनो GPU में ही ये एमुलेटर सपोर्ट करेगा, माली में सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसकी डेवलपमेंट चल रही है, ये सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए ये वर्जन अल्फा स्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुआ है इस एमुलेटर में। यहाँ पर आपको एक OBB की ज़रूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर आपको पिक कर लेनी है। तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको OBB और इसका APK मिल जाएगा, ठीक है। टर्मक्स 11 भी मिल जाएगा, इसमें सिलेक्ट कर लेना है बस, फिर यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डेवलपर का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर्स PM टीम है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे डेवलपर, तीन डेवलपर है जो कि इस एमुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। एमुलेटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो रन RPCS3 है वहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो आपका RPCS3 जो टर्मक्स X11 है उसमें ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, फिर जो हमारा जो RPCS3 है गाइस वो ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होगे गाइस, तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सेटिंग वगैरह देख पा रहे हो गाइस, और यहाँ पर टच कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वो अभी आना बाकी है। तो अभी तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर इनपुट ब्रिज आप यूज़ कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। यहाँ पर गेम वगैरह ऐड करके गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर PKG फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं, फॉर्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और कुछ गेम यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। गोडोवो 3 प्ले कर सकते हैं, लेकिन इतने खास FPS इसमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। गाइस, हाल ही में यहाँ पर छोटे मोटे गेम आप प्ले कर सकते हैं। गोड ऑफ वॉर 3 जैसे गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर FPS आपको कम FPS यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा FPS यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5-6-7 FPS अगर अच्छा फ़ोन है तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।